नंबर थर्ड 2019 थ्री मार्क्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से समझेंगे। राइट ऑल द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। मतलब समझ में आया कि इस इक्वेशन में पहले पी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, पी की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उससे उसके रूट्स निकालेंगे। मतलब रूट्स की वैल्यू मतलब अल्फा और बीटा होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, कोई क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस क्या है कि हम लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाते तो कर नहीं पाते। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू जी। अब क्या करेंगे इसकी कंपेरिजन करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी, ठीक है। ए की जगह कितना आ रहा है, ए की जगह 1, बी की जगह कितना आ रहा है पी, और सी की जगह कितना आ रहा है 16। अब देखो क्या दिया हुआ है, यहां देखो ध्यान से कि हैज इक्वल रूट्स, यहां पे क्या लिखा है इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स की हम कंडीशन जानते हैं, लिख लेते हैं यहां पे कंडीशंस, कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डी इक्वल टू जीरो, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ठीक है। यहां तक समझ में आया ध्यान से। अब बी की जगह कितना आ रहा है, बी की जगह देखो पी आ रहा है, बी की जगह कितना आ रहा है पी का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह कितना है 1 और सी की जगह 16, तो ए की जगह 1 और सी की जगह 16, तो यहां से कितना आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू देखो 4 × 16 = 64। तो देखो ध्यान से, अब देख रहे हैं यहां से ये पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर होगा, तो जब भी स्क्वायर इधर जाता है तो पहले तो प्लस माइनस साइन लगता है और फिर अंडर रूट के अंदर 64। तो यहां से p की कितनी वैल्यू आ गई प्लस माइनस e, मतलब p इक्वल टू a और p इक्वल टू माइनस a, p की यहां से दो वैल्यू मिली। आई बात समझ में। अब देखो क्या करना है, याद रखना यहां पे आप लोग यहां पे मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। यहां पे क्या करेंगे p इक्वल टू 64 लिखा है तो यहां से क्या लिख के आएंगे p इक्वल टू 8, जो कि गलत है। क्यों गलत है, देखो यार ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये दो वैल्यू देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है ना उसी का तो एप्लीकेशन है ये, तो यहां से पी की दो वैल्यू आई है। यहां पे ध्यान रखना आप लोग यही करते हो यहां पे, इसलिए मिस्टेक करके आ जाते हो और बाहर में नंबर जोड़ देते हो कि मेरे तो सही है, जबकि कायदे से वो सही नहीं रहता, ठीक है। तो यहां पे ये दो वैल्यू आई, अब पी की इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे और फिर रूट्स निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये मिटा देता हूं, देखो ध्यान। अब एक बार क्या करते हैं, टेकिंग P इक्वल टू 8, P की वैल्यू मैंने क्या लिखी 8, तो यहां पे पुट करो इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से 8 के ऐसे फैक्टर, 16 यहां पे कुछ नहीं है 1, 16 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए और प्लस माइनस करके 8 आ जाए, तो देखो कितना बढ़ जाए x स्क्वायर प्लस ये लिख सकता हूं मैं 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। आई बात समझ में। देखो यहां पे इन दोनों को देखो 4 × 4 = 16 और 4 + 4 = 8, दोनों आ गए, देखो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई मल्टीप्लाई करके। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या ले लेंगे x प्लस 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में प्लस का 4 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या लिख लेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस 4 और यहां से भी क्या आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई x इक्वल टू -4। अब देखो दोनों से -4 आएगी, अब दोनों से -4 आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिपीटेड रूट्स है और रिपीटेड रूट्स है मतलब इक्वल रूट्स है, आगे कंडीशन सेटिस्फाइड, समझ में आया। अब देखो दूसरा लिखे, अब p इक्वल टू -1 लिखेंगे तब देखेंगे क्या होगा। देखो अब लिखते हैं हम टेकिंग p इक्वल टू -8। अब इस -8 को यहां रखो तो क्या आ रहा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब -8 लाना है और ऐसे फैक्टर चाहिए कि प्लस वो मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए और प्लस माइनस करके 8 आ जाए, तो मैं ये लिख सकता हूं -4x प्लस 16 इक्वल टू 0, दोनों को ऐड करो -8 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई करो -4 × -4 देखो -4 × -4, तो माइनस माइनस प्लस
और यहाँ पे 4 4 16 आगे दोनों का डिफरेंस सेटिस्फाइड। अब यहाँ से कॉमन लो x, तो यहाँ से क्या बचा x माइनस 4। अब यहाँ पे देखना सेम इसी के जैसा यहाँ पे भी होना चाहिए, तो माइनस का 4 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। याद रखना यहाँ पे और यहाँ पे हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इस पूरे में से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे भी x की एक ही वैल्यू आई, मतलब एक नहीं आई वैल्यू, दो है क्योंकि एक रूट और 4 आएगा भाई, एक 4 इससे आया एक 4 इससे आया, तो दो 4 आ गए ना प्लस वाले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिपीटेड रूट्स है, और रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या है इक्वल रूट्स है, और ये कंडीशन हमें दी हुई है। आई बात समझ में? ये था पूरा, इसलिए बोर्ड ने 3 मार्क्स का पूछा है। जो आपको एक वैल्यू लेके सॉल्व कर देते हो ना और सोचते हो कि मेरा सही है, वो कायदे में सही नहीं होता, वो आपके लिए सही रहता है, लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन किस माइंडसेट से दिया है उसको समझो, पूरे तरीके से करो। आप लोग पूरा तरीके से करते नहीं हो, आधे अधूरा ज्ञान रहते हैं आपको, सॉल्व करके आ जाते हो और खुश हो जाते हो, ये गलत है, अच्छे से करो, नोट डाउन करो क्वेश्चन को, ठीक है।